नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंतजार खत्म, टाटा से रांची एक्सप्रेस ट्रेन सेवा आरंभ। सीआरपीएफ जवान से बगझग के बाद टाटा नगर स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। समान राशन कार्ड की मांग को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। डेंगू पर रोकथाम के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में बैठक। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर रैली। और घाटशिला में निर्माणाधीन पंचायत भवन के विरोध में ग्रामीण बैठे भूख हड़ताल पर। अब एक आवश्यक सूचना, न्यूज टाइम्स में न्यूज रीडर की आवश्यकता है। 21 से 30 साल की युवतियां आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए हिंदी का धारा प्रवाह और शुद्ध उच्चारण जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार न्यूज टाइम्स के कार्यालय में फोटो सहित बायोडेटा दे सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। बहुप्रतीक्षित टाटा से रांची एक्सप्रेस ट्रेन को टाटा नगर स्टेशन से सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चकरधरपुर मंडल के ADRM सहित अन्य रेल पदाधिकारी भी मौजूद थे। अंततः इंतजार खत्म हुआ। बहुप्रतीक्षित टाटा टू रांची ट्रेन अब चलने लगी है। 6 घंटे का ये सफर उनके लिए फलदायी होगा, जो बस उपलब्ध नहीं होने के कारण रांची में ही मजबूरन रुक जाते थे। रांची से ट्रेन रात्रि 10:15 बजे छूटेगी, जो सुबह 4:45 बजे टाटा नगर पहुंचेगी। वहीं टाटा नगर से 5:25 पर रवाना होगी और 10:15 में छूटेगी। इस ट्रेन में कुल 12 कोच हैं, जिनमें एक AC कार, 3 जनरल, 6 आरक्षित और 2 SLR कोच होगा। इस ट्रेन का ठहराव कांड्रा, चांडिल, बड़ा बूम, पुरुलिया, मूरी, नामकुम होते हुए राजधानी रांची पहुंचेगी। शुक्रवार को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। और हम लोग जमशेदपुर से आज का रवाना किए, शुरुआत किए। ये काफ़ी बहुत ट्रेन है राजधानी से जुड़ने, इसका टाइम भी बहुत अच्छा है। 5:30 से निकल कर 10 बजे पहुँच जाती है रांची। तो सारा जो है अपना जो कुछ काम होगा शहर में उसको करते हुए फिर पूरा जो है 7:30 तक वापसी। ये बहुत शेड्यूल बहुत अच्छा है। वापसी कितने बजे है? 5:30 टाटा नगर स्टेशन परिसर में वाहन पार्क करने को लेकर परसुडी के जिला परिषद सदस्य के साथ CRPF जवान द्वारा बदसलूकी और धक्का मुक्की के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। इधर शुक्रवार को टाटा रांची एक्सप्रेस रेल सेवा का उद्घाटन होना था, जिसमें भाग लेने के लिए जिला परिषद सदस्य सुदीप्तो डे और फुराना डे भी पहुंचे थे, मगर पार्किंग में वाहन खड़ा करने को लेकर CRPF जवान के साथ उनकी बगझक हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिचय पत्र दिखाने के बावजूद जवान ने बदसलूकी की। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने सहायक रेल मंडल कार्यालय में घुसकर जमकर बवाल किया और लिखित शिकायत भी दी। ऐसे बातचीत होते होते एक सिपाही जी आया और बोला, देखिए चिल्ला चिल्ली हुआ उस तरह में क्या हुआ, हमको हाथ पकड़ के पूरा खींचते पूरा टांग को लेके, हम बोला देखिए हमें जनपद नहीं दिया, अंदर में जाकर सब कंपनी जी किया, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, थाना में लेके जाएंगे। बातचीत हुआ लेकिन हमको जो खराब लगा सबसे, हम जब अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया, दिखाने के बावजूद भी ऐसा बिहेव किया, हम आशा नहीं रखते। लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत दुकानदारों ने समान राशन कार्ड सभी दुकानदारों को दिए जाने की मांग को लेकर राशनिंग विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व में भी इन दुकानदारों ने अपनी मांगों को उठाया था और सरकार को मांग पत्र भी सौंपा था और सरकार ने समान राशन कार्ड के लिए आदेश भी पारित किया था, मगर इसे लागू नहीं किया गया है।
दुकानदारों का आरोप है कि किसी के पास ज्यादा मात्रा में कार्ड है तो किसी के पास न के बराबर। उनका नेतृत्व जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के अध्यक्ष मोहन साव कर रहे थे। हम लोग आज झारखंड सरकार से चिट्ठी आया है राशन विभाग में जिला में कि सभी दुकानदारों को कार्ड बराबर करने के लिए, लेकिन एसओआर साहब के द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, जिसे हमारे डीलर भाई भुखमरी एक आधार पर है। नए डीलरों को 100 कार्ड है, 100 कार्ड में 17 क्विंटल, किसी को 18 क्विंटल, 20 क्विंटल आवंटन है, जिसे 2000 रुपये दुकान का किराया लग रहा है। तो हमारे सारे डीलर भाई जो ठेला वेंडर जो परिणत हुए राशन दुकान में, भुखमरी एक आधार पर है। डेंगू से सुरक्षा और इसे जड़ से खत्म करने के लिए शुक्रवार को खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। सभागार में सिविल सर्जन के अलावा विभाग के सभी पदाधिकारी और जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह भी मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्रों सहित अनेक क्षेत्रों में डेंगू से निपटने पर चर्चा हुई। इसके लिए आवश्यक कदम के साथ साथ लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया गया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने विभाग के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। बारिश का मौसम है, बारिश में आप देख रहे होंगे कि सभी अस्पताल में बेड की कमी हो गई है, और किस तरह से हम लोग डेंगू मलेरिया इस तरह से बचने का काम करें। सारे विभाग के अधिकारी आए हुए हैं, सारे डॉक्टर आए हुए हैं, हॉस्पिटल से लोग आए हुए हैं, इसी पर चर्चा चल रही है। हो समाज को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व हो समाज के लोगों ने बाइक रैली निकाली, जो साक्षी आम बगान से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंची। उनका नेतृत्व कर रहे सुरेश बिरोली ने कहा कि लंबे समय से हमारी मांगों को अनसुनी की जा रही है, ऐसे में वे उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। घाटशिला के फूल डूंगरी में जाहिर थान के स्थान पर पंचायत मंडप बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आलम कर दिया है। घाटशिला स्थित फूल डूंगरी में जहां पंचायत मंडप का निर्माण हो रहा है, ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जाहिर थान की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, इससे खफा ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के बाहर बेमियादी भूख हड़ताल आरम्भ कर दिया है। घाटशिला फूल डूंगरी जाहिर स्थान के लिए हम विरोध कर रहे हैं, जहाँ जाहिर स्थान भी है और पर्यटक भी है। हम चाह रहे हैं कि वहाँ से स्थानांतरण हो, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका स्थानांतरण करना चाह रहे हैं। राज्य के केंद्रीय कारा में रिक्त कक्षपाल के पदों के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही है। शहर में भी बहाली प्रक्रिया चली, जिसमें कई भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी शामिल हुए। आपको बताते चले कि राज्य भर में कुल 600 रिक्त पद अलग अलग कारा में है। वहीं केंद्रीय कारा के रिक्त पदों के लिए भी बहाली प्रक्रिया चल रही है। जमशेदपुर कारा के आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को बहाली प्रक्रिया हुई, जिसमें कुल 58 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इनमें चयनित अभ्यर्थी को कक्षपाल के लिए बहाल किया जाएगा। करते रहते हैं, क्योंकि एक साल में जो रिटायर हो जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं नौकरी, अभी कुल 600 रिक्ति हमारे झारखंड में है। हम लोग हर जगह आते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ किए हैं, उसके बाद उनका में करेंगे। शहर में तीज पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए तीज पर्व पर निर्जला व्रत रखती है। तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती है और निर्जला व्रत रखते हुए भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करती है। उसके बाद व्रत तोड़कर प्रसाद ग्रहण करती है। इस मौके पर पप्पू सरदार ने महिलाओं के लिए मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं से ये शपथ ली गई कि वे जल संचय में योगदान देंगी।
वहीं दूसरी ओर इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने भी जन्माष्टमी और तीज महोत्सव समारोह पूर्वक मनाया। शुक्रवार को खास महल रेलवे अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार और ऑटो में सीधी भिड़ंत हो गई। खास महल रेलवे अस्पताल के पास हुई इस भिड़ंत में ऑटो चालक को काफी चोटें आई। घटना के बाद भीड़ इकट्ठा होते देखकर चालक कार छोड़कर फरार हो गया। घायल ऑटो चालक को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। टक्कर में ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। टेम्पो और कार में एक्सीडेंट हुआ था, खास महल ठीक रेलवे हॉस्पिटल का सामने में हुआ है, जिसको हम लोगों ने हमारा एक मित्र उसको गाड़ी से हम लोगों ने सभी को निकाला उसको और निकाल करके लेकर आए हैं। टेम्पो वाला ड्राइवर का स्थिति अभी गंभीर बना हुआ है। आदित्यपुर के मीरूडी में एक मजदूर के आशियाने को प्रशासन द्वारा उजाड़ दिया गया है। अब वो परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। राजू टुडू मजदूरी कर अपने दूध मुहे बच्चे सहित परिवार का भरण पोषण करता है। पिछले दिनों सड़क निर्माण की बात कहकर प्रशासन द्वारा उसकी झोपड़ी को उजाड़ दिया गया। अपने परिवार के साथ अब वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। हम तो डिप्टी गया हुआ था, डिप्टी से आए, उसके बाद देखे कि वहाँ मेरा पूरा घर खाली कर दिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी वाजिब मूल्य, शूटिंग शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। अगर एक सुंदर सुसज्जित घर की कल्पना हम करें तो सबसे पहले हमें किसका ख्याल आता है? जी हाँ दोस्तों, यकीनन उस घर का खूबसूरत फर्नीचर ही हमें सबसे पहले लुभाता है। तो घर की खूबसूरती का ये ऑल टाइम सुपरहिट कल्चर आप भी अपनाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी के बेहतरीन फर्नीचर्स के लिए शर्मा फर्नीचर में आज ही चले आइए। एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगों तथा डिजाइनों वाले सोफों की शानदार चॉइस हो या फिर आपकी पसंद के अनुरूप मजबूत टिकाऊ और आरामदायक बेड्स की आपकी फरमाइश हो, चाहे हो नए जमाने की सुविधा संपन्न और मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल,
या फिर पूरे परिवार की मजेदार डाइनिंग के लिए सुंदर डाइनिंग टेबल, बेहतरीन कारीगरी के सांचे में ढला यहाँ का हर आइटम और बनावट की लाजवाब खूबसूरती यहाँ के हर सेट पर। पूरे विश्वास के साथ ले जाएं आप अपनी पसंद का कोई भी फर्नीचर, जी हाँ होलसेल रेट पर। पारंपरिक डिजाइन हो या फिर नए जमाने का चलन, डोमेस्टिक फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, स्मार्ट फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन, आपकी संतुष्टि ही हमारी सेवा की गुणवत्ता। पाए होम डिलीवरी और मनचाहे फाइनेंस की भी पूरी सुविधा। अब हमारे प्रिय ग्राहकों के लिए एक बड़ा ही अद्भुत ऑफर, बिल्कुल अलबेला। हर रविवार आपके लिए लोन मेला, क्योंकि आपके घर की खूबसूरती का ध्यान हम रखते हैं। शर्मा फर्नीचर, हम रिश्तों का पूरा सम्मान करते हैं। शर्मा फर्नीचर, प्लाजा मार्केट के सामने, टेल्को जमशेदपुर, फोन 9102374035। गौसे आजम आयुर्वेदिक दवा खाना, सोनारी मस्जिद रोड, नौशाद रजा, स्पेशल इन सेक्सुअल डिजीजेस, हर तरह के रोगों का अचूक इलाज, निसंतान पति पत्नी अवश्य मिले, जड़ी बूटियों से 100% औलाद की गारंटी। इसके अलावा हर तरह के रोगों का शर्तिया इलाज, 1000 से ज्यादा लकवाग्रस्त रोगी तंदुरुस्त हुए। मैं यहाँ 20 साल से हिकमत कर रहा हूँ, सुनारी फुंका भी मस्जिद झारखंड में है ना, और हमारे यहाँ से सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग कामयाब हुए हैं। ख़ास करके मैं सेक्स से ताल्लुक सभी बीमारियों का इलाज करता हूँ। उसके अलावा औलाद के लिए तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं। जैसे नौशाद रजा, स्पेशलिस्ट इन सेक्सुअल डिजीज, एड्रेस खूटा डी मस्जिद, सोनारी जमशेदपुर। आगे देखिए, और खास करके पति पत्नी जो औलाद के इच्छुक हैं, जब किसी भी सब तरह का समस्या हो, कीटाणु ना हो या बिल्कुल खत्म हो गया हो, वो सबका कामयाब ग्रांटेड इलाज किया है। टाइम 10:30 AM टू 12:30 PM एंड इवनिंग टाइम 5 PM टू 9 PM। कॉन्टैक्ट 9934185192। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर दो तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहां कहां से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने, कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। अर्जुन स्टोर पेश करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। कॉस्मेटिक व अन्य घरेलू सामानों के अलावा यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए जूते चप्पलों के साथ रेडीमेड कपड़े भी उपलब्ध हैं। नवरात्र के मौके पर एक ही छत के नीचे, वो भी किफायती मूल्य पर। फिलहाल यहाँ कपड़ों व जूतों पर 20-25% तक की छूट भी दी जा रही है। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर, सुपीरियर लाइफस्टाइल एसी शॉप। Step in to the metro lifestyle. Le sakte hain maza self-service marketing concepts ka. World is changing. Obviously, we have to change faster ahead. Badal de aapke bhag daud bhari zindagi ko. Arjun Store, complete solution. Yahi hai samay ki mang. Grocery, cosmetic, shampoo, soap, deo, biscuits and all packaged items. अर्जुन स्टोर, प्रेजेंट प्रोडक्ट्स फॉर होम अप्लायंसेस। 3 किलोमीटर तक होम डिलीवरी भी की जाती है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आल्सो एक्सेप्टेड। अर्जुन स्टोर, श्री मंगल टार,
16 Main Road, Katma Market, near Bina Pani Nursing Home. Contact 0657-230-5485 and 9835-17-1755. सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टीका जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आए। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। शानदार इंटीरियर, बेहतरीन डिजाइन, हर तरह की सुविधाओं से लैस BHK फ्लैट के प्रत्येक बुकिंग पर 5 लाख का डिस्काउंट एवं 3 AC फ्री विथ पार्किंग। तो फिर इंतजार किस बात का, आज ही कॉन्टैक्ट करें AR Constructions, गोलमुरी नियर गुरुद्वारा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9934968090 9507308272। युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभु चौधरी आज किसी परिचय के मुहताज नहीं है। जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभु चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभु चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभु चौधरी ने दिन रात मेहनत की। गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभु चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभु चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की ज़रूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज़ बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभु चौधरी से काफ़ी उम्मीदें हैं और शंभु चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम, गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन,
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स, गायत्री शिक्षा निकेतन, अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। गायत्री शिक्षा निकेतन के संस्थापक से चेयरमैन योगेंद्र प्रसाद यादव ने 1993 को मात्र 7 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की। उनकी मेहनत, लगन और लोगों के विश्वास से स्कूल पूरे राज्य में अव्वल। गायत्री शिक्षा निकेतन, रोड नंबर 4, आदित्यपुर 2, नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, फोन 0657। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में वैसे तो हर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इधर गणेशोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाला गणपति विलास द्वारा इस बार 101 गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर तक महोत्सव चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा सीएम रघुवर दास करेंगे, जबकि 2 सितंबर को सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मेले का उद्घाटन करेंगे। हम लोग चैतन्य ग्रहण आए थे, है ना, से गणेश महोत्सव का, और इसका जो इनोग्रेशन है पंडाल से हो रहा है। पंडाल इनोग्रेशन हमारा संडे का शाम को 8 बजे है, जिसका उद्घाटन हम लोग का MLA जो रायघाट से रहा है लक्ष्मण टूटू जी कर रहे हैं, और उनका गेस्ट ऑफ ऑनर रवि प्रसाद जी और अमरप्रीत सिंह पुरानी जी और कुछ जनमान गान्य लोग हैं जो शहर के, वो लोग भी आ रहे हैं। मैनेजर प्रसाद व BJP लीडर विनोद सिंह व मनोज संथालिया है। और इसी तरह फिर सेकेंड डे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा हो रहा है। काशी डी लाइन नंबर 4 में शुक्रवार को लोगों ने एक बुजुर्ग का शव देखकर पुलिस को सूचित किया। काशी डी लाइन नंबर 4 के पास शुक्रवार की सुबह लोगों ने एक बुजुर्ग का शव देखा। शव की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उसकी पहचान में जुटी है। लोग हैं, इनको हम पहचानते नहीं, हमारे घर के सामने थे। अच्छा, तो इनको लाकर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाते, 108 में कॉल करके एम्बुलेंस से लाकर। कब से पड़े हुए थे ये तो याद नहीं, हम लोग सुबह से देख रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।